अरे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, वो परेशान है कि अगर ये बैन हो जाती है, से सपोज हो गई, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का वो क्या करेंगे, वो महफूज भी है या नहीं महफूज, उन्हें क्या करना है? पहली बात तो ये कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज कभी भी भाग सकता है। बाइनेंस इस वक्त दुनिया भर में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे उसका बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी बहुत सारे और एक्सचेंज है, बिटगेट है, कूकॉइन है, ओकेज है, ये कहीं ना कहीं दुनिया में लिस्टेड है। बाइनेंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दुनिया में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क्रिप्टो करेंसी आपने वॉलेट में रखनी है, आपने एक्सचेंज पे नहीं रखनी, कोई एक्सचेंज ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर आप वॉलेट में रखते हैं कोई मसला नहीं है, दुनिया भर में आप जाकर कहीं भी इसको कैश आउट कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बताऊं, इस वक्त 1 जून से बिटकॉइन का बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि जून 1 से हांगकांग जो है वो इसको प्रॉपरली लाइसेंस दे रहा है, सारे लोगों को वेलकम कर रहा है। बहुत सारे एक्सचेंजेस जो अमेरिका से मूव करना चाहते हैं टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से, वो सारे हांगकांग और दुबई की तरफ आ रहे हैं। तो 1 जून से बहुत बड़ा बूम आ रहा है, और उसी बूम के टाइम अगर आप क्रिप्टो को बैन करेंगे तो पाकिस्तानियों को फिर आप महरूम कर देंगे बहुत बड़े प्रॉफिट से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।